व्हाट इज द आइडियल टाइम टेबल, क्या होता है? मैं कहता हूं आपसे, टाइम टेबल जो बनाते हैं बच्चे, बनाने के चार दिन बाद एक नया टाइम टेबल बनाते हैं, छठे दिन फिर एक अगला टाइम टेबल आते हैं। मैं कहता हूं कि टाइम टेबल के फेर में मत पड़िए, इतना सोच लीजिए, आपको इतना दिमाग में रखना है, ये आपके अंदर मन में होना चाहिए बेटा एक फीलिंग, कि आपको इतना पता होना चाहिए कि आपको रोज क्लासेस, आपको जो भी आपकी क्लासेस हैं, कोई भी क्लासेस आपको मिस नहीं करना है, सारी क्लासेस आपको जो है वो अटेंड करना है, सारे डीपीएस आपको लगाने हैं, ठीक है, डेली आपका एक मॉक टेस्ट होगा, डेली वो भी आपको लगाना, ऑनलाइन मॉक टेस्ट होगा वो भी आपको लगाना है, ठीक है, वीकली आपका जो है वो पीसीवी का एक ऑल इंडिया टेस्ट होगा वो भी आपको लगाना है, आपको बुकलेट पढ़ना है, ठीक है, मॉर्निंग वॉक करते समय आपको ऑडियो बुक सुनना है, मॉर्निंग वॉक कीजिए, ऑडियो बुक सुनिए मॉर्निंग वॉक में, ऑडियो बुक सुनिए, ठीक है। आपके समय को बचाने के लिए हम क्लासरूम नोट्स प्रोवाइड करेंगे, इस बार आपको हम प्रिंटेड नोट्स प्रोवाइड करेंगे आपको हम, आपको अलग से नोट करने की जरूरत नहीं होगी, तो आपको मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, इस बार हर क्लास के पहले आपको नोट्स मिल जाएगा, प्रिंट आउट लेके रखिए पास में अपने। आप बोलोगे प्रिंट आउट नहीं रखना सर मेरे को, तो बेटा देखो, या तो आपको नोट करना पड़ेगा कॉपी में, या प्रिंट आउट निकाल लीजिए उसका। आप बोलो सर बुक पहले से छपी हुई बुक दे दो, नहीं बेटा पॉसिबल नहीं है, क्लासरूम के नोट्स होते हैं डेली बेसिस पर तैयार होते हैं उठ के, तो आपका समय बचाने का मैं पूरी कोशिश करूंगा बेटा, ठीक है, ताकि आपको नोट्स में एनसीईआरटी पढ़िए, नोट्स आपको मिलेंगे क्लास के अंदर, नोट्स के अंदर ही जो एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस वाले पॉइंट है वो सिलेक्टेड पॉइंट, क्योंकि एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए जो है वो उन पॉइंट्स को हम जहाँ पे जो है समराइज करके वहाँ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ठीक, इतना आपको करना है। इसके अलावा जब आप पूरी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, डीपीएस लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, वीकली टेस्ट लगा रहे हैं, बुकलेट पढ़ रहे हैं आप, नोट्स पढ़ रहे हैं आपके, आप ऑडियो बुक सुन रहे हैं आप, कुछ और करने की जरूरत नहीं है आपको, आपका सब काम हो जाएगा। आपको सिर्फ 2 घंटे अलग से अपने को देने पड़ेंगे टेस्ट की तैयारी के लिए, टेस्ट की डीपीएस की तैयारी के लिए, रिविजन करने के लिए 2 घंटे रोज देना पड़ेगा, क्योंकि बाकी तो समय हम आपका इस्तेमाल करा ही रहे ना, ये कमांडो ट्रेनिंग है, यहां पर आपको जो है वो समय देना पड़ेगा।